गुड मॉर्निंग पिल्ला माने, आज हम पढ़ा फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया पार्ट 1 अर्थात उत्तर पूर्व भारतर पर्वपर्वाणी भाग ए। एठार आम पढ़ा इंट्रोडक्शन अर्थात उपक्रम, वर्ड मीनिंग्स अर्थात शब्दर अर्थ, फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया उत्तर पूर्व भारतर पर्वपर्वाणी विषय। इंट्रोडक्शन उपक्रम। एज यू ऑल नो इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। जेपरी कि तुम्हें जानिछो भारत हेउछि एक मेला एवं पर्वपर्वाणी देश। पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियंस लिव हियर। विभिन्न प्रजातिर विभिन्न धर्मर लोक माने एठारे रुहंती। दे सेलिब्रेट ए नंबर ऑफ फेस्टिवल्स राउंड द ईयर। वर्ष सारा से माने अनेक प्रकार पर्वपर्वाणी पालन करथांती। द फेस्टिवल्स लाइक गणेश चतुर्थी, बसंत पंचमी, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, ईद उल फितर, क्रिसमस, बुद्ध जयंती एंड महावीर जयंती एक्सेट्रा आर सेलिब्रेटेड बाय डिफरेंट कम्युनिटीज इन डिफरेंट रिलीजियंस ऑफ आवर कंट्री। आम देश में विभिन्न धर्मर लोक मानक द्वारा तथा विभिन्न जातिर लोक मानक द्वारा अनेक प्रकार पर्वपर्वाणी पालन करा जाए, जथा गणेश चतुर्थी, बसंत पंचमी, दीपावली, दशहरा, राखी पूर्णिमा, ईद उल फितर, क्रिसमस, बुद्ध जयंती एवं महावीर जयंती इत्यादि। वी कैन सी फेस्टिव एटमॉस्फेयर एवरीवेयर एज पीपल सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स विथ ग्रेट पॉम्प एंड स्प्लेंडर। आमे सबु स्थान रे एक उत्सव मुखर परिवेश देखि पारु जेतेबेले लोक माने अत्यंत आनंदित होई तांको पर्वपर्वाणी पालन करंती। The people of northeastern states who celebrate their festival with much interest and enthusiasm. तबे उत्तर पूर्व भारतर लोक माने मध्य सेमानको पर्वपर्वाणी अत्यंत कौतूहल तथा उत्साह सहित पालन करंती। Let's read the following text and know how the people in the northeastern region of India celebrate their festivals with pomp and show. तोले दिया जाइथिबा पाठटी पढ़ो एवं एठारे जानो उत्तर पूर्व भारतीय लोक माने किभली भावे तांको पर्वपर्वाणी को अत्यंत आनंदित भावरे पालन करंती। एबे देखिबा वर्ड मीनिंग्स किछि शब्दर अर्थ। Region, one of the areas of a country having its own customs or government. अर्थात अंचल। Comprise, form from, गठित हेबा। Contiguous, touching or sharing the boundaries with others, सन्निहित बा पाखापाखी रहिबा। Interdependence, depending on each other, परस्पर उपरे निर्भरशील। Corridor, a long narrow strip of land that follows the course of an important road. अर्थात अलिंद। Amazing, wonderful, विस्मयकर। Culture, the habits or traditions and belief of a country. कला का संस्कृति। Traditional, following older methods. पारंपरिक। Enthusiasm, great eagerness, उत्साह सहित। Lush, growing very thickly and well, परिपृष्ठ। Mark, celebrate, पालन करिबा। Brisk, quick and energetic, चंचल। Symbol, one pair of round metal plates used as a musical instrument,
झांज बा करताली। वर्तमान देखिबा फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज अ कलेक्टिव नेम फॉर द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया रिप्रेजेंटिंग बोथ ए ज्योग्राफिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन ऑफ द कंट्री। उत्तर पूर्व भारत हेउछि पूर्वांचलर शेष भागरे थिबा भारतर अंश जहाँकि भौगोलिक तथा प्रशासनिक अंश आम देशर। द रीजन कंप्राइजेस 8 स्टेट्स नेमली अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोराम, सिक्किम एंड त्रिपुरा। तेबे एही अंचलटी 8टी राज्यक नै गठित। नाम अनुसारे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोराम, सिक्किम एवं त्रिपुरा। The contiguous 7 states, Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram and Nagaland are commonly described as the land of 7 sisters because of their interdependence on each other. तबे सन्निहित परस्पर मध्ये लागि रहिथिबा 7टी राज्य जथा अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड को एकत्रित भावरे 7टी भौणीर स्थान बोली कुहा जाए। यह कहिबार कारण होची समाने परस्पर मध्यरे आत्मनिर्भरशील। ऑन द अदर हैंड सिक्किम इज ज्योग्राफिकली नॉट ए कंटिग्युअस पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न ईस्ट रीजन। अन्य पक्ष रे सिक्किम भौगोलिक भाव रे एमानक सहित सन्निहित भाव रे लागी नाही। It is separated from the northern east by Siliguri corridor. एहा उत्तर पूर्वांचल रे Siliguri ओलंदी द्वारा अलगा होई जाय छी। So it is not included in the land of seven sisters. सेथि पई एहा को सातटी भूमिंकर स्थानरु बाद दिया जाय छी। However, Sikkim has happily taken up the role of being a little brother to the amazing seven sisters. हेले मध्य सिक्किम को आनंदित भावरे ए सात भौणीकर गुटिए छोट भाई बोली आख्या दिया जाय छी। The North Eastern regions of India is a place of diverse cultures. भारतर उत्तर पूर्वांचल अंचलटी हेउछि गोटे स्थान जोठार विभिन्न प्रकार संस्कृति मिश्रण देखा जाए। द डिफरेंट कम्युनिटीज एंड ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया सेलिब्रेट देयर यूनिक फेस्टिवल्स विथ ग्रेट एंथुसियाज्म एंड जॉय। सेठारे बास करथवा विभिन्न प्रकार जाति तथा आदिवासी माने सेमानंकर स्वतंत्र परंपरा तथा पर्वपर्वाणी गुड़ी को अनेक आनंदर सहित एवं उत्साह सहित पालन करती। मेनी ऑफ दिस फेस्टिवल्स आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड नो सेलिब्रेशन इज कंप्लीट विदाउट ट्रेडिशन म्यूजिक एंड डांस। अधिकांश परंपरा चाष उपरे परिवेष्टित एवं कौनसी उत्सव मध्य गीत एवं नृत्य को छाड़ी पालन करा जाए नहीं। Blessed with lush greenery and the mighty river Brahmaputra, the people of Assam have a lot to celebrate. सबुजिमारे परिपूर्ण एवं शक्तिशाली नदी ब्रह्मपुत्र पाई आसाम राज्यटी पाखे अनेक किछि जिनस अछि उत्सव मनेबा पाई। Bihus are among the major cultural festivals of Assam. आसाम रो मुख्य पर्वपर्वाणी मध्यरे बिहु होची अन्यतम। दे आर ए सीरीज ऑफ 3 प्रोमिनेंट फेस्टिवल्स रंगाली बिहु, कंगाली बिहु एंड भोगाली बिहु। तेपे ए बिहुती तीन प्रकार मुख्य पर्व को नहीं गठित। गोटे होची रंगाली बिहु, आउ गोटे कंगाली बिहु एवं भोगाली बिहु। रंगाली बिहु ऑल्सो नोन एज बोहाग बिहु इज सेलिब्रेट इन मिड एप्रिल विद द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग एंड द बिगनिंग ऑफ द सोइंग सीजन। तबे
रंगाली बिहुटी को पोहाग बिहु मध्ये कुहा जाए जहाकि एप्रिल रो मध्य भागरु जेतेबेले बसंत ऋतुर शेष भागरे पहुंची जाए एवं फसल पोतिबा समय रे पालन करा जाए। इट ऑल्सो मार्क्स द स्टार्ट ऑफ ए न्यू ईयर देयर एहाको नूतन वर्षर आरंभ को बोली भी माना जाए। कंगाली और काठी बिहु इज सेलिब्रेटेड इन मिड अक्टूबर व्हेन द फील्ड्स आर लॉस्ट बट द बार्न्स आर एम्प्टी। एवं कंगाली बा काठी बिहु को सेते बळे पालन करा जाए जेते बळे अक्टूबर मासर मध्य समय होई थाए जेते बळे समग्र जमीगुडीक फसलरे परिपूर्ण होई थांती किंतु शस्यागार खाली थाए। On this occasion, people light lamps and pray to God for the thriving harvest season to guide souls to heaven. ଏହି ଉତ୍ସବ ମୁଖରେ ଲୋକମାନେ ବତୀ ଜାଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଫସଲ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବେ ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳୁ। ଭୋଗାଲୀ କଣ ମାଘ ବିହୁ ଇଜ୍ ଅବଜର୍ଭ ଇନ୍ ମିଡ୍ ଜାନୁଆରୀ। भोगाली को माघ बिहु मध्ये कुहा जाय जहा कि जनवरी मास रो मध्ये रो पालन करा जाय। द फेस्टिवल सिंबलाइजेस द एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन। एही पर्वटी फसल रो अंत को सूचाए। इट इज अ थैंक्स गिविंग व्हेन द क्रॉप्स हैव बीन हार्वेस्टेड एंड द बार्न्स आर फुल। एहा भगवान को धन्यवाद जणेबा पई पालन करा जाय जते बेले फसल गुड़ी को द्वारा शस्यगारटी परिपूर्ण हो जाए। एनी बिहु सेलिब्रेशन इज कंसीडर्ड इनकम्प्लीट विदाउट मेलोडियस फोक सॉन्ग्स एंड ट्रेडिशनल डांस। बिहु उत्सवटी असंपूर्ण रही जाए जदि पारंपरिक नृत्य तथा संगीतर मेल न थाए। द बिहु डांस इज जस्ट वन। बिहु नृत्यटी आनंदर नृत्य। यंग मेन एंड वोमेन गेट देयर बेस्ट ट्रेडिशनल अटायर एंड परफॉर्म्स द डांस विथ ब्रिस्क स्टेप्स एंड हैंड मूवमेंट। तरुण युवक युवती निजर सुंदर पारंपरिक पोशाक परिधान करी नृत्य करती चंचल भाव निजर हाथ को हलाई। द ट्यून ऑफ ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इनक्लूड सिम्फाल बेम्बो क्लैपर ढोल व्हिच इज सिमिलर टू ए ड्रम एंड द पेपा व्हिच इज अ विंड इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ बुफालो हॉर्न एड डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेवर टू द डांस एज वेल एज द एटमॉस्फेयर। पेपे वादक यंत्रगुड़िक शब्द मध्य रही सिम्फाल्स अर्थात गिनी जातीय किसी बजेवा यंत्र बैम्बू क्लैपर्स दासकाठिया ढोल ढोल व्हिच इज सिमिलर टू ए ड्रम जहाँकि ड्रम सहित समान एवं पेपा बोली एक पवन द्वारा चालित यंत्र जहाँकि मईसी मान सिंहटार या सबुर स्वर नृत्य को तथा परिवेश को एक नूतन प्रकार आनंद दे था। The songs have been handed down through many generations. से गीत गुड़िक अनेक पीढ़ी दे गति करी अछि। Lying farther north in the mountain region of the Himalayas, Arunachal Pradesh is one of the most remote and picturesque locations with lush green paddy fields and pine-clad mountains. भारतर उत्तरर थिबा पर्वतांचल तथा हिमालयर पादेश अरुणाचल प्रदेश हेउछि भारतर भीतर थिबा तथा मोहित स्थान मध्यरु अन्यतम जहाँकि सबुजिमा द्वारा परिपूर्ण एवं पर्वत श्रृंग द्वारा आच्छादित। नेचर हेज प्रोवाइडेड द पीपुल ऑफ दिस रीजन विथ अ डीप फीलिंग ऑफ ब्यूटी व्हिच कैन बी सीन इन देयर फेस्टिवल्स सॉन्ग्स एंड डांस। प्रकृति एही स्थानर लोकमानंकु सुंदरतार सुंदर अनुभव देछि जहाकि तांकर पर्वपर्वाणी गीत एवं नृत्य माध्यम रे जणा जाय। परवर्ती अध्याय रे आमे पढ़िबा फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया रेस्ट उत्तर पूर्व भारतर पर्वपर्वाणी रो भाग द्वितीय। धन्यवाद।